नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी के कस्बा भोगांव में बड़ी धूमधाम से भारत माता की यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत के शहीदों की तस्वीरें रखकर उनको सजाया गया और यात्रा के रूप में शामिल किया गया। यात्रा को रामनरेश अग्निहोत्री विधायक ने ध्वज फहराकर शुभारंभ किया। उन्होंने भारत माता की आरती उतारकर पुष्प अर्पित किए। मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने भारत माता की आरती उतारी। 21 मीटर लंबा तिरंगा ध्वज नगरवासी लेकर चल रहे थे। इस अवसर पर नगर के बाहर से आए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया तथा सभी मीडिया प्रभारियों का भी सम्मान किया। ये यात्रा पुरानी आलू मंडी से बड़ा बाजार, जामा मस्जिद, पीपल मंडी, छोटा बाजार, थाना कोतवाली नगर पंचायत, घंटाघर, गिहार कॉलोनी होती हुई मुख्य चौराहे पर आकर इसका समापन हुआ। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष आशीष पाठक ने आए हुए सभी अतिथियों तथा नगर के संभ्रांत लोगों का धन्यवाद किया। सभी नगरवासी यात्रा में शामिल हुए और सभी ने गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर रामनरेश अग्निहोत्री, विधायक भोगांव राहुल चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, साधना तिवारी महिला मोर्चा अध्यक्ष भाजपा, चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी, कश्मीर सिंह राजपूत ब्लॉक प्रमुख विकासखंड सुल्तानगंज, नितिन उमेश वर्मा अध्यक्ष नगर व्यापार मंडल, शिव शंकर वर्मा, डॉक्टर मनोज दीक्षित, डॉक्टर हर्ष दीक्षित, सुरेंद्र शुक्ला, मुकेश अग्निहोत्री, सुरेंद्र संखवार, गौतम कछेरिया, गौरव शाक्य तथा सभी सम्मानित पत्रकार बंधु और नगर के सभी सम्मानित संभ्रांत लोग मौजूद रहे। भोगाम से जिला संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। क्यों किया गया लगभग ये महोदय कितने समय शुरू हुआ है और ये कहाँ तक ये जाएगा? ये 8 वर्षों से गाँव में भारत माता की भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और ये आलू मंडी से शुरू होती है और बस स्टैंड तक जाती है। आगे मतलब आज ये भारत माता की यात्रा यहाँ पर के प्रयास करके लिए आज तक कोई यात्रा की भावना को पूरा आज भारतीय जनता का उत्तरों को पूरी हो रहा है आज तक कोई भावना को पूरा तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।